नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बसोदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। पत्थर व्यवसायियों के भोजन वितरण का हुआ समापन। गंज बसोदा में कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च लॉकडाउन शुरू होने से पत्थर व्यवसायियों के द्वारा जनसेवा के अंतर्गत निरंतर गरीब बस्तियों में भोजन का वितरण किया गया। इसके अलावा वरेठ रोड कालाबाग क्षेत्र स्थित पत्थर व्यवसायियों की रसोई पर भी लगातार भोजन वितरण किया जा रहा था, जिसका रविवार को समापन हो गया। पत्थर व्यवसायी एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा आपस में सहयोग करके ज़रूरतमंदों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्षेत्र के असहाय दिव्यांग असक्षम परिवारों के लिए भोजन के पैकेट वितरित किए गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि जितने दिनों तक भी भोजन का वितरण किया गया उतने दिनों डिस्पोजल एवं पॉलीथिन का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। कार्यक्रम के समापन पर अनेक संत महात्मा, जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण सहित सभी पत्थर व्यवसायी शामिल हुए, जिन्होंने पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। भोजन वितरण समारोह के समापन पर गंज मंदिर महंत महेश्वर दास त्यागी महाराज, पंचमा मंदिर महंत राजा राम महाराज, नौलखी मंदिर महंत मल्लिका महाराज, पंडित केशव गुरु शास्त्री, पंडित देवेंद्र भार्गव, संजय पाठक, मिथिलेश महाराज सहित अनेक संत महात्मा मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी पत्थर व्यवसायियों के द्वारा संकट की घड़ी में जिस प्रकार तन मन धन से सेवा की उसकी प्रशंसा की। पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। भोजन वितरण समापन समारोह के दौरान उपस्थित पत्रकारों का पत्थर व्यवसायी एसोसिएशन के द्वारा पत्रकार दिवस के मौके पर श्रीफल देकर सम्मान किया गया। परेशान है, वो भी ठगने में लगे, वो भी ठगने में लगे, इससे थोड़ा मन उन्होंने बता दिया मुझे, थोड़ा भगवान ने वो ईश्वर करे कि आपका कल्याण हो और हनुमान जी सीधे सीधे महल मिला फरमाए। ब्राह्मणों को बुला करके धर्म संस्कृति को सम्मानित किया, इसके लिए भी पत्थर व्यवसायी सभी बसोदा के धन्यवाद पात्र हैं, धन्य के पात्र हैं। और मेरी ओर से पत्थर व्यवसायियों को शुभकामनाएं कि गंज बसोदा में इसी प्रकार से निरंतर धर्म और सनातन परंपरा को बनाए रखने में पत्थर व्यवसायियों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद।